दोस्तों, शेयर मार्केट में वॉल्यूम का क्या मतलब रहता है? आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। शेयर मार्केट में वॉल्यूम क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं चैनल SGS एजुकेशन। दोस्तों, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं यानी उसको चलाते हैं, तो सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक आपको शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज के वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। हॉलीडेज में सैटरडे संडे वैसे भी शेयर मार्केट ऑफ रहता है, बंद रहता है, लेकिन रेगुलर डे में आपको 9:15 से जब मार्केट ओपन होता है तब आपको कंपनीज के वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। कंपनी के सामने वॉल्यूम मिलता है जिसमें लाखों में वॉल्यूम होता है, करोड़ों में वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको बता दूं, बायर और जो सेलर होते हैं उन दोनों में जो शेयर का लेन देन होता है, जैसे कोई 50 शेयर खरीद रहा है, कोई 50 शेयर बेच रहा है, तो उनका जो वो काउंट जो करता है ना वो कंपनी, वो वॉल्यूम के रूप में किया जाता है। और शेयर मार्केट के अंदर जो शेयरों का लेन देन होता है वही वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे अगर आप वॉल्यूम की, अगर मार्केट की डेप्थ देखते हैं, उस कंपनी के अंदर डेप्थ देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है, वॉल्यूम आपको बताई जाती है कि बायर कितने हैं। अगर वहां पर बायर की वॉल्यूम ज्यादा रहती है तो वो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के बायर ज्यादा है। उसी के साथ अगर जैसे किसी कंपनी के शेयर बहुत सारे सेल हो रहे हैं तो उसकी भी वॉल्यूम आपको दिखाई जाती है। तो यही दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है, अगर आप भी अपना शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक 5paisa.com का लिंक दे रखा है। इसका ऐप भी है और काफी आसानी के साथ आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।